हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम अगस्त की जो विजन आईएएस के करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन रिलीज होती है उसको हम एक दफ़ा देखेंगे एंड कवर करने जा रहे हैं उसको। और हम देखेंगे कि अगस्त के मंथ में क्या क्या करंट अफेयर्स रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में पहला हमारा आ जाता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सब क्लासिफिकेशन देखेंगे शेड्यूल कास्ट का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में देखेंगे, सिटीजन पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 1.4 लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज सरोगेट एडवर्टीजमेंट UCC दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे इन शॉर्ट्स। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडियन ग्लोबल साउथ, आफ्टर दैट 10 ईयर्स ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप रिलेशंस, इंडिया यूक्रेन रिलेशनशिप, पैरा डिप्लोमेसी, साउथ चाइना सी टेंशंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, देन न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखेंगे। उसके बाद इकोनॉमी में देखेंगे हम न्यू स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर एंड सेक्टर्स, दैट इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंडिया, हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्रिएटिव इकोनॉमी मॉडल स्किल लोन स्कीम, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, न्यूज देखेंगे इन शॉर्ट्स, राइट। उसके बाद देखेंगे पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज, सोशल इश्यूज, सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, न्यूज इन शॉर्ट्स, यूनेस्को NIRF रैंकिंग, एडोलेसेंट इन इंडिया, मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइंस, देन पैगलेस डेज, हैबिट राइट्स फॉर जुआंगा ट्राइब एंड या आफ्टर दैट वी विल सी सो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग लॉस के बारे में पढ़ेंगे। 2024 में कौन कौन सा यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, RBI रिवाइज्ड NPA प्रोविजन नॉर्म्स, फिर कोऑपरेटिव, देन फ्रंट रनिंग वाइट कैटेगरी सेक्टर्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स रिलीज, ओपन मार्केट सेल स्कीम, नीति आयोग। तो एक दफ़ा आप देख लीजिए बिकॉज हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं जाएंगे तो आई डोंट थिंक के मुझे एक एक लाइन यहाँ पे बतानी पड़ेगी, आई डोंट थिंक सो। सिक्योरिटी में आप एक झलक देख लीजिए क्या क्या पढ़ेंगे, तो एनवायरमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, रिन्यूएबल एनर्जी, सी लेवल राइज, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, न्यूज़ शॉर्ट्स में देखेंगे एंड या तो ये सब हम कल्चर एथिक्स स्कीम्स न्यूज़ ये सब पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉलिटी से हम स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। अगर हम न्यूज़ के बारे में देखें तो सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्टस न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली क्या हुआ है, एक सात जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की पंजाब के स्टेट में एनदर्स वर्सेस देविंदर सिंह एंड अदर केस ने ये कहा है कि जो सब क्लासिफिकेशन है शेड्यूल कास्ट का वो परमिसिबल है अगर हमें उनको सेपरेट कोटा देना है फॉर मोर बैकवर्ड्स विद इन द SC कैटेगरीज। 7 जज की ये बेंच होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच होती है, ये एसेंशियली दो एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर रही थी, वेदर सब क्लासिफिकेशन विद इन रिजर्व कास्टिस भी अलाउड, कि जो हम सब क्लासिफिकेशन करते हैं रिजर्व कास्टिस में क्या ये हमें क्या ये अलाउ करना चाहिए। सो ये जो करेक्टनेस है डिसीजन की इन EV चिंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 में, जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया था आर्टिकल 341 के अंदर फॉर्म वन होमोजिनस ग्रुप एंड कुड नॉट बी सब कैटेगराइज फर्दर। तो उन्होंने कहा था कि हमने शेड्यूल कास्ट का इसमें वो सारी कास्टेस आ जाती हैं जिसमें हम
जो शेड्यूल कास्ट है एंड इनको हम रिजर्वेशन भी देंगे। तो इन्होंने बोला था कि सिर्फ एक ही कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, एक ही ग्रुप में इन्होंने डाल दिया था। सो फर्दर उसका जो कैटेगराइजेशन है वो सब कैटेगराइजेशन वो नहीं होना चाहिए। प्रीवियसली 2014 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इस अपील को रेफर किया था कि आप जो जजमेंट हुआ है ईवी चिनाई केस जो 2004 का हुआ है उसको उन्होंने कहा है कि आप इसको रेफर करो, रिकंसिडर करो। और एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को इन्होंने ये कहा है। 2020 में क्या होता है, फिर एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होते सुप्रीम कोर्ट की कहती है कि ईवी चिनाई जजमेंट विच प्रोहिबिटेड सब कैटेगराइजेशन ऑफ सुप्रीम शेड्यूल कास्ट रिक्वायर रिकंसिडरेशन, कि हम इस जजमेंट को रिकंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे इसके कॉन्स्टिट्यूशन हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। आर्टिकल 14 जो है कहता है स्टेट शेल नोट डिनाई टू एनी पर्सन क्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 क्लोज 4 कहता है, इनेबल करता है स्टेट को कि आप स्पेशल प्रोविजंस बनाओ कोई भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है अगर उनके एडवांसमेंट के लिए, राइट ऑफ क्लासेस ऑफ सिटीजन, वो कोई भी सिटीजन हो सकता है, शेड्यूल कास्ट भी हो सकती है, शेड्यूल ट्राइब्स भी हो सकती है। आर्टिकल 16 क्लोज 1 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सारे सिटीजन्स के लिए इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। आर्टिकल 16 क्लोज 1 कहता है इनेबल करता है स्टेट को कि आप प्रोविजंस बनाओ रिजर्वेशंस के लिए ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन सर्विसेज अंडर द स्टेट। आर्टिकल 341 क्लोज अगर 1 की हम बात करें तो प्रेसिडेंट को ये कहता है कि आप स्पेसिफाई करो कास्टिस को, रेसिस को, ट्राइब्स को एज शेड्यूल कास्ट फॉर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 341 क्लोज 2 कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट और रेस और ट्राइब फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट बाय पासिंग अ लॉ। मतलब पार्लियामेंट किसी भी कास्ट को रिमूव कर सकती है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से, क्या करके, लॉज को पास करके। सो इस जजमेंट की की हाइलाइट्स यहाँ पे चलिए थोड़े से देख लेते हैं। सब क्लासिफिकेशन विद इन द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट वायलेट अंडर वायलेट आर्टिकल 341 क्लोज 2 बिकॉज कास्टिस आर नॉट पर से इंक्लूडेड इन और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। स्कोप ऑफ सब क्लासिफिकेशन क्या है शेड्यूल कास्ट का, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इंक्लूडिंग सब क्लासिफिकेशन इज टू प्रोवाइड सबस्टांटिव क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। सबस्टांटिव क्वालिटी रिफर्स टू द प्रिंसिपल दैट द लॉ मस्ट अकाउंट फॉर द डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस फेस्ड बाय पर्सन और ग्रुप्स। स्टेट कैन सब क्लासिफाई बेस्ड ऑन एन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन कास्ट्स, हाउएवर द स्टेट मस्ट एस्टेब्लिश दैट इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कास्ट ग्रुप इज बिकॉज ऑफ इट्स बैकवर्डनेस। स्टेट मस्ट कलेक्ट डेटा ऑन द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। स्टेट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स विम्स और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड इट्स डिसीजन इज अमेनेबल टू जुडिशियल रिव्यू। सो स्टेट एंटाइटल्ड नहीं है रिजर्व करने के लिए 100% ऑफ द सीट्स अवेलेबल फॉर शेड्यूल कास्ट इन फेवर ऑफ ए ग्रुप टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर कास्टेस इन द प्रेसिडेंट लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया है आर्टिकल 341 क्लोज 1 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर हेट्रोजीनियस ग्रुप्स ऑफ कास्टेस रेसेस और ट्राइब्स विद वेरिंग डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस। 4 of the 7 judges on the bench separately opined that government should extend the creamy layer principle to supreme scheduled caste and scheduled tribes. However, the opinion do not constitute a direction of the government to implement the creamy layer concept, and the issues did not directly arise in this case. So
क्रीमी लेयर होती क्या है देख लेते हैं. क्रीमी लेयर इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई मेंबर्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस जो सोशली फॉरवर्ड है, इकोनॉमिकली स्टेबल है, ज़्यादा एजुकेटेड है एंड देयरफॉर एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन एंड प्रोफेशनल बेनिफिट्स को. कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे जुडिशल प्रोनाउंसमेंट भी आए थे वो देखते हैं. स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस 1975, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जिसने यूज़ किया था इस क्रीमी लेयर की टर्म को. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1975 में पहली बार क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस. क्वेश्चन अगेंस्ट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन बीइंग कॉर्नर्ड बाई एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम बैकवर्ड कास्टिस. तो जो एक्चुअली में बैकवर्ड कास्टिस से इंडिविजुअल होते हैं और वो एफ्लुएंट होते हैं ठीक है, तो उनका जो रिजर्वेशन हुआ है तो इसी के अगेंस्ट उन्होंने जो है यहाँ पे ये जजमेंट आया था. इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, 9 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, एम्फसाइज्ड दैट कि गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करना है इस क्रीमी लेयर को जो ओबीसी कैटेगरी में होती है ना रिजर्वेशन के बेनिफिट से, कि आप इनको हटाना चाहिए. ईवी चिन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट अमाउंटेड टू टिंकरिंग विद प्रेजिडेंट लिस्ट एंड वॉज देयरफॉर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 341 क्लोज टू विच एक्सक्लूसिवली वेस्ट पावर इन पार्लियामेंट. जर्नील सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018, सुप्रीम कोर्ट ओपाइन दैट ये जो एप्लीकेशन है क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट का टू आर्टिकल 341 एंड 342 डज नॉट टिंकर विद द प्रेजिडेंशियल लिस्ट. अब आता है हमारा आर्ग्यूमेंट्स फॉर सब क्लासिफिकेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब क्लासिफिकेशन. तो दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं. अब सब क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरी है, सो सब्सटेंटिव इक्वालिटी वीकेस्ट फर्स्ट अप्रोच टू एम्पावर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड अमंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. गवर्नेंस सब क्लासिफिकेशन इंश्योर करेगा डाइवर्स एंड एफिशिएंट गवर्नेंस. हेट्रोजीनियस ग्रुप्स प्रीवेलेंस ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स एंड देयर वेरीड स्ट्रगल्स एंड डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट. लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेटर्स आर्टिकल 341 एम्पावर करेगा प्रेजिडेंट को कि आप डेजिग्नेट करो कम्युनिटीज को एज शेड्यूल कास्ट, बट आफ्टर डेजिग्नेशन स्टेट लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस इज एक्टिवेटेड अंडर आर्टिकल 246 इन लाइट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 15 क्लोज 4 एंड 16 क्लोज 4. आर्टिकल 246 डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटर्स ऑफ स्टेट्स. आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब क्लासिफिकेशन यूनिटी एंड सॉलिडैरिटी डिवाइड कर देगा फर्दर एससी कम्युनिटी को, जिससे उनकी जो कलेक्टिव वॉइस है वो वीकन हो सकती है. एंड बार्गेनिंग पावर पर्पस ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन एज रेपरेशन फॉर हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड नॉट फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर. स्टिग्मा ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन माइट नॉट फेड अवे विद इकोनॉमिक मोबिलिटी. एग्जाम्पल ऑक्सफर्म्स इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 हाईलाइट्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू क्रेडिट. डेटा लिमिटेशंस एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस डेटा ऑफ वेरियस कास्ट ग्रुप्स. सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 वाज रिफ्यूज्ड टू बी मेड पब्लिक साइटिंग एंटायर डेटा सेट इज फ्लोट एंड सेंसस अनरिलायबल. पोटेंशियल फॉर मिसयूज एप्रिहेंशंस ऑफ पोटेंशियल पॉलिटिकल थिंकिंग बाय पार्टीज इन पावर इन स्टेट्स टू एक्सपैंड वोट बैंक्स. तो ये था कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिजर्वेशन सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड कुछ उसके अगेंस्ट थे कुछ उसके फेवर में थे. सो कंक्लूजन क्या आता है, इन द वेक ऑफ द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इट इज़ क्रूशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स कि वो इंगेज हो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग में
सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, उसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इंक्लूड करें, लीगल एक्सपर्ट्स भी आए, सोशल साइंटिस्ट भी आए. इन दिस रिगार्ड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी कमीशन्स को ऑन द लाइन ऑफ जी रोहिणी कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी. सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, एम क्या था कि एक सॉल्यूशन फाइंड करना है जो डिस्पेरिटीज को एड्रेस करे जो कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में है, वाइल प्रिजर्विंग द यूनिटी एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल. फिर आता है अब हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. सो एज पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर रिफॉर्म नीति आयोग ने इनिशिएट किया एक प्रोसेस फॉर रिवैम्पिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस और द नीति आयोग हैज इन्वाइटेड प्रपोजल्स टू इंगेज कंसल्टेंसी फर्म टू सपोर्ट द इवेल्युएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन 9 ब्रॉड सेक्टर्स. कौन कौन से होंगे वो 9 ब्रॉड सेक्टर्स? एग्रीकल्चर, एलीट सेक्टर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट सेक्टर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ सेक्टर, वाटर रिसोर्सेज, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्टर एंड सोशल इंक्लूजन, लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस डिलीवरी. सो सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स इम्प्लीमेंट होती हैं एंड फाइनेंस होती है डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. करेंटली 676 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद अ टोटल आउटले ऑफ अराउंड 15 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25. सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में अगर हम देखें तो चलिए देखते हैं इनके बारे में डेफिनेशंस क्या होती है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है दैट आर फंडेड जॉइंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट इन सेक्टर्स फॉलिंग इन द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फीचर्स हम देख लेते हैं इसके. करंट फ्रेमवर्क ऑफ CSS is based on the report by subgroup of chief ministers on rationalization. Focus agar hum dekhe, focus of CSS should be on schemes that comprise the national development agenda for realizing vision 2022 where the center and the states need to work together. Current status dekhe, currently there are 75 CSS in 3 categories and they constitute around 10.4% of the center's budget. एक्सपेंडिचर टाइप्स देख लेते हैं हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का. कोर स्कीम्स, कोर ऑफ द कोर स्कीम एंड देन ऑप्शनल स्कीम. सो कंप्राइज द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन. उसके बाद यहाँ पे आता है 6 स्कीम जो सोशल प्रोटेक्शन के लिए होंगी, सोशल इंक्लूजन के लिए होंगी. दे आर द फर्स्ट चार्ज ऑन अवेलेबल फंड्स फॉर NDA, MG नरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज. स्टेट्स आर फ्री टू चूज द वंस दे विश टू इम्प्लीमेंट. फंड्स फॉर दीज आर एलोकेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. एग्जाम्पल बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुखर्जी रूरबन मिशन. फंडिंग कहाँ से आएगी इनकी? जितने भी ट्रांसफर है टू द स्टेट्स फॉर CSS आर बींग रूटेड थ्रू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन एंड एबोलिशन ऑफ plan known plan distinctions from 2017 centrally sponsored scheme and central sector schemes primary mode of specific purpose transfer rahi hai made by the union of the state. Funding pattern for core schemes 8 northeastern states 3 himalayan states isme cover honge. सेंटर स्टेट रेशियो की 90% फंड सेंटर देगा और 10% स्टेट से आएगा. दूसरे स्टेट्स की बात करें अगर हम तो इसमें आ जाते हैं सेंटर स्टेट 60% सेंटर एंड 40% आपका स्टेट. यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर सेंटर यहाँ पे 100% फंड देगा. मॉनिटरिंग नीति टू हैव कंकरेंट जुरिसडिक्शन इन द मॉनिटरिंग ऑफ CSS एंड ऑल्सो ओवरसीज थर्ड पार्टी इवेल्युएशन. तो यहाँ पे नीति आयोग ही
इसका इवैल्यूएशन का ज्यूरिसडिक्शंस इसके अंडर में है। रैशनल देखते हैं सीएसएस का, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी शुड हैव अ सब्सिडियरी फंक्शन परफॉर्मिंग ओनली दोज टास्क विच कैन नॉट बी परफॉर्म इफेक्टिवली एट अ मोर इमीडिएट और लोकल लेवल। इक्वलाइजेशन ऑफ बेसिक सर्विसेज अक्रॉस स्टेट, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ स्कीम एंश्योर करती है इक्वलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस स्टेट, प्रायोरिटाइजिंग मेरिट गुड्स, गुड्स सच एज सब्सिडाइज हाउसिंग और सोशल सर्विसेज विच प्रीडोमिनेंटली हेल्प द पुअर और हेल्थ केयर सर्विसेज हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लेम ऑन गवर्नमेंट रिसोर्सेज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस शुड गाइड गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स एंड प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर नेशनल एफर्ट्स इन एरियाज लाइक रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी आर्टिकल 38, एजुकेशन आर्टिकल 45 एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस आर्टिकल 46, पब्लिक हेल्थ आर्टिकल 47। इश्यूज क्या क्या हैं जो कि जो करंट फ्रेमवर्क है सीएसएस का उसके साथ क्या क्या इश्यूज एसोसिएटेड है, तो पहला आ जाता है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज। बजट एस्टिमेट जो था फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 का वो शो कर रहा है कि 15 स्कीम अकाउंट कर रही है 91.14% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इवन विद इन एन अम्ब्रेला स्कीम। बहुत सारी यहाँ पे सब स्कीम्स है दैट रिसीव माइन्यूस्क्यूल अमाउंट्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन सीएसएस के पास 18 डिफरेंट सब स्कीम है। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इन क्लाइमेट चेंज सब स्कीम के पास एलोकेशन है 180 करोड़ का, जबकि नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री के पास 34 करोड़ का जो है एलोकेशन है फंड का। लार्ज नंबर ऑफ स्कीम्स अगर हम देखें एग्जिस्टेंस है भाई यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्कीम्स का या फिर मल्टीपल स्मॉल सब कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ स्कीम that leads to duplication of efforts and a thin spreading of resources, less fiscal space for items in union list, union expenditure on state item ऊपर चला गया है, hence constant fiscal space for the items in the union list. Example, defense expenditures has reduced from 2% of the GDP in 2001-2012 to 1.5% in 2019-20 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। उसके बाद आता है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, कंट्रोल्स ऑफ द सीएसएस आर डिफाइंड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एकोमोडेट इंटर एंड इंट्रा स्टेट डिफरेंसेस। लोअर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इन सम स्टेट्स, सीएसएस रिक्वायर्स मैचिंग contributions from state leading to lower investment state where it is needed most. Further, states with lower GSDP are also unable to absorb the release funds on time due to inadequate capacity in terms of manpower, skills, technical expertise and weak governance. Suboptimal monitoring. Currently, CSS focus more on processes, what and how to do rather than outcomes. So monitoring is based on inputs, not actual results. Way forward क्या क्या है हमारे पास, हम इस पे fund को prioritize कर सकते हैं gradually, हम जो CSS के लिए जो fund है उसको हम रोक सकते हैं and उनके जो sub components हैं हम that have either outlived their utility or have insignificant budgetary outlays not commensurate to a national program. A threshold level of fundings according to the Arvind Verma committee in 2005, new CSS should be introduced only if the annual outlay is greater than rupees 300 crores. For the existing smaller schemes, amount should be transferred to states as normal central assistance. Inflation index funding, financial norms of certain components of schemes like cooking cost of midday meal or PM portion scheme should be linked to the wholesale price index and should be revised every 2 years. Improved governance according to the 15th Finance Commission, funding pattern of the CSS should be fixed upfront in a transparent manner and should be kept stable. Uske baad, financing can be provided based on bilaterally agreed compacts related to specific objectives. For example, service delivery outputs or specific outcomes instead of exhaustively discussed implementation plans.
टू सपोर्ट दिस अप्रोच यूनियन गवर्नमेंट कैन सपोर्ट इनिशिएटिव्स जिससे डेटा सिस्टम को एनहेंस किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी का इवेल्युएशन हो सकता है, फ्लो ऑफ मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रेगुलर एंड इट शुड इंक्लूड अपार्ट फ्रॉम रूटीन स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्रोग्रेस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ऑन आउटपुट एंड आउटकम इंडिकेटर्स सिटीजन पार्टिसिपेशन टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस सिटीजन पार्टिसिपेशन टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस. सो रिसेंटली माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ने कंप्लीट करे हैं 10 साल. सो इट वॉज लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर. माई गवर्नमेंट एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, कोलैबोरेट करता है मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, मिनिस्ट्रीज के साथ, ताकि सिटीजन के साथ इंगेज हो सके पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए और जो लोगों का ओपिनियन है वो वहाँ तक सरकार तक चला जाए ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर. इन शॉर्ट एम्पावर करता है पब्लिक को कि ताकि गवर्नमेंट के साथ ये कनेक्ट होए, कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस. सिंस 2014 इट हैज़ इवोल्व्ड इनटू अ रोबस्ट प्लेटफॉर्म विद ओवर 4.72 crore registered users known as My Government's Saathis. Major My Government campaign जैसे कि पहला है लाइफ कैंपेन, इंगेज करता है इंडिविजुअल्स के साथ जिससे एड्रेस करता है जो भी डिग्रेडेशंस होता है एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट चेंज आता है उसके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये कैंपेन आया है. एम्फसाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी एक्शंस ऑन ग्लोबल चैलेंज. स्टे सेफ ऑनलाइन लॉन्च बाई मेती ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेजिडेंसी ताकि सिटीजन को एजुकेट किया जा सके इंक्लूडिंग स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स अबाउट ऑनलाइन रिस्क, सेफ्टी मेजर्स, साइबर हाइजीन टू एनहेंस ओवरऑल साइबर सेफ्टी. स्वच्छ भारत सर्वेक्षण थ्रू इंटरेक्टिव एक्टिविटीज एंड सोशल मीडिया इंगेजमेंट फोस्टर करता है एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन को इन क्रिएटिंग अ क्लीनर एंड हेल्थियर इंडिया. मिलेट सुपर फूड हाईलाइट न्यूट्रिशनल एडवांटेज ऑफ मिलेट्स एंड अंडरस्टैंड देयर रोल इन प्रिवेंटिंग लाइफ स्टाइल डिजीजेज. तीन की पिलर्स है माई गवर्नमेंट के, देख लेते हैं. डू इंक्लूड्स करता है क्विजिस, इनोवेट इंडिया इनिशिएटिव, pledges, self for society program, साथी 2.0 initiative, etc. discuss करता है, facilitate groups discussion, मन की बात, radio program, disseminate focus on blogs, periodic newsletters, email along with my government OTT, etc. How citizen participation helps in good governance. अब ये पहला जो questions बहुत अच्छा है कि citizen का participation कैसे यहाँ पे help कर रहा है good governance के लिए. देखिए, accountability, transparency. Citizens hold government officials accountable. कैसे? उनको feedback देके, report करके issues को, action को demand करके, जो encourage कर रहा है transparency को, openness को गवर्नमेंट के डिसीजन में. फॉर इंस्टांस आरटीआई एम्पावर करते हैं सिटीजन्स को बाय प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन टू होल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एजेंसीज अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस. सर्विस डिलीवरी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग सिटीजन इंश्योर करते हैं कि उनकी जो नीड्स है, इंटरेस्ट है, कंसिडर्ड है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. Enhancing delivery of public services and policy outcomes. For instance, community participation जो होता है, even evaluation of Delhi government's Mohalla clinics, improved access to quality healthcare. Foster करता है inclusivity को, citizen engage होंगे governance में, develop करेंगे एक sense किसका, बिलोंगिंग नेस का, एंड इंश्योर्स करते हैं करेंगे कि जो डाइवर्स वॉइसेस है इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज ग्रुप्स उनकी आवाज़ सुनी जाए और इक्विटी को प्रमोट किया जाए एंड सोशल जस्टिस को. फॉर इंस्टांस एमजी नरेगा सोशल ऑडिट हेल्प्स करेगा किसमें, वॉइस को प्रायोरिटाइज करने में. किसकी वॉइस को प्रायोरिटाइज करने में? जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनकी. ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करें, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन प्रोग्राम फोस्टर करेंगे ट्रस्ट किस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में,
डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को रेनफोर्स करने में एंड जो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है उनको प्रमोट करने में स्टेट एंड सोसाइटी के बीच में. एग्जाम्पल, ग्राम सभा फोस्टर्स कम्युनिटी ट्रस्ट एट द ग्रास रूट लेवल इनोवेशन. सिटीजन पार्टिसिपेशन ला सकता है न्यू पर्सपेक्टिव, इनोवेटिव आइडियाज, सॉल्यूशंस टू एड्रेस इश्यूज, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर. फॉर इंस्टांस, मैसूरू बेस्ड फर्म हैज बीन ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर द इनोवेटिव सॉल्यूशन टू यूज प्लास्टिक वेस्ट टू मेक एनवायरमेंट फ्रेंडली इंटरलॉक टाइल्स और पेपर्स दैट आर स्ट्रोंगर देन सीमेंट. चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे जो एसोसिएटेड भी है विद सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस. वो चैलेंजेस एक बार देख लेते हैं. कमिटमेंट की कमी है. इंगेजमेंट जो है पॉलिसी मेकिंग में रिक्वायर करता है टाइम को भी रिसोर्सेस को भी. तो टाइम भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, जो कि कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन जो है सिटीजन का उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है. उसके बाद आता है लिमिटेड इंगेजमेंट. बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं उनके पास जो रिक्वायर्ड नॉलेज है उसकी कमी होती है एंड जो गवर्नमेंट की प्रोसेस है उनको वो समझ नहीं पाते. गवर्नमेंट की जो लॉज है बहुत ही उनके लिए डिफिकल्ट होता है समझना. उनके जो अधिकार है उनको समझना मुश्किल होता है. इससे क्या होता है उनका जो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन है वो हिंडर करता है. फर्दर, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स एंड रेड टेप कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर सिटीजन टू पार्टिसिपेट. एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी है इसमें, जैसे कि गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी की कमी हो सकती है लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन को हैंडल करने करने में मैनेज करने में, जैसे कि प्रोसेसिंग फीडबैक, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स एटसेट्रा. फर्दर हैम्परिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन. लिमिटेड ट्रस्ट इन गवर्नमेंट. पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट ऑफन कम है क्योंकि जो बहुत सारे प्रोमिसज हैं गवर्नमेंट नहीं पूरा कर पाती. करप्शन बहुत ज़्यादा है, नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है एंड फेलियर है कंसिडर करने के लिए कम्युनिटी इनपुट को ऑन डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, इम्पीडिंग देयर पार्टिसिपेशन. सोशल फैक्टर्स भी हैं यहाँ पे. इक्वल एक्सेस की कमी है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाने की एबिलिटी है, इनएबिलिटी है ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, कल्चरल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस सच एज पैट्रियार्की लिमिट कर सकती है पार्टिसिपेशन विमेन का. दूसरे जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स है उनका गवर्नेंस में. अब ऐसा नहीं है कि सरकार जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है. सरकार भी कुछ इनिशिएटिव्स लेती है ताकि सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो गुड गवर्नेंस में. जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ये एक मास मूवमेंट बना. सिटीजन ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, अपने जो घर है, अपना जो शहर है, अपना जो देश है उसको साफ करने में, सैनिटेशन को प्रमोट करने में और क्लीनलीनेस का मैसेज जो है पहुंचाने में. तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया लोगों का. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, सो इसने भी बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लिए ताकि जो एक सेंस है लोगों में वो आ जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी की एंड लोग एंगेज हों गंगा को क्लीन करने में, कंजर्व करने में. डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिससे कि ये क्या करता है एक्चुअली में एम्पावर करता है सिटीजन्स को ताकि जो सर्विसेज है वो अवेल कर सके बहुत आसानी से एंड कन्वीनियंटली इंटरेक्ट कर सके गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बूस्ट हो और जो लाइव सिटीजन की वो भी हमारी बूस्ट हो. 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, इंक्लूजन ऑफ वेरियस मार्जिनलाइज सेक्शंस लाइक वुमेन इन लोकल गवर्नेंस. उसके बाद आता है सिटीजन चार्टर्स. सो इट्स एक्सरसाइज इज टू बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू स्ट्रीम लाइन एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्यून विद द नीड्स ऑफ सिटीजन्स. सो वे अहेड देख लेते हैं क्या है, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, रिलीज गवर्नमेंट डेटा इन स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सेसिबल फॉर्मेट एंड एंश्योर दैट सिटीजन के पास इजी एक्सेस है टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन. एग्जांपल, स्ट्रेंथनिंग आरटीआई एक्ट टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी. अवेयरनेस, इनकॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सिविक एजुकेशन इन टू स्कूल करिकुलम. ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप टू एजुकेट सिटीजन ऑन देयर राइट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन एंड हाउ दे कैन इफेक्टिवली इंगेज इन गवर्नेंस प्रोसेसेस.
डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्ट्रेंथनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटिंग यूजर फ्रेंडली ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिटीजन एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, फीडबैक दे सकते हैं ताकि जो सिटीजन का पार्टिसिपेशन है वो फैसिलिटेट हो सके. इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए रेगुलर पब्लिक कंसल्टेशन को, हियरिंग ऑन की पॉलिसी डिसीजन, इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डाइवर्स कम्युनिटीज ताकि गवर्नेंस प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर सके. एग्जाम्पल, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हियरिंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. ग्रीवेंस रिड्रेसल, स्ट्रेंथन एंड स्ट्रीमलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इंश्योरिंग दैट सिटीजन कंप्लेंट्स आर एड्रेस्ड प्रॉपर्ली टू बिल्ड ट्रस्ट इन गवर्नेंस सिस्टम. फर्दर स्ट्रेंथनिंग फीडबैक सिस्टम टू एनहेंस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस. सो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ. अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1.4 टॉपिक से, जिसमें लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज पढ़ेंगे. तो देखिए, अगर लेक्चर पसंद आ रही है